जंगल में घास चरती हुई गाय ने देखा कि अचानक से एक शेर उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। उसने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया, मुड़ी और पूरा जोर लगाकर दौड़ी। दोनों के बीच दूरी लगातार घटती जा रही थी। गाय को कुछ नहीं सूझा तो उसने सामने तालाब में छलांग लगा दी। तालाब कुछ खास गहरा नहीं था, पर दलदल से, कीचड़ से भरा हुआ था। शिकार की धुन में अंधे हुए शेर ने भी तालाब में छलांग लगा दी। गाय को पकड़ने के प्रयास में शेर जितनी ताकत लगाता, दलदल में और गहरा फंसता जाता। गाय और शेर दोनों गले तक दलदल में फंस चुके थे, पूरी तरह से बेबस, हिल भी नहीं पा रहे थे। इस परिस्थिति में भी गाय हंसी और शेर से पूछा, तुम्हारा कोई मालिक है क्या? शेर ने अहम से भरा हुआ जवाब दिया, मैं इस जंगल का राजा हूं, भला मुझे मालिक की क्या जरूरत? गाय बोली, तुम भले ही जंगल के राजा हो, अपार शक्ति हो तुम्हारे पास, पर ये तुम्हारी सारी शक्ति इस समय तुम्हारा जीवन को बचा पाने में विफल हो रही है। और तुम्हारा क्या? शेर ने पूछा, तुम भी तो इस दलदल में मर जाने वाली हो। गाय मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं नहीं मरूंगी। शेर बोला, जब मैं जंगल का राजा अपने आप को इस दलदल से मुक्त कर नहीं करा पा रहा, तो तुम्हारी क्या बिसात, तुम तो एक साधारण सी गाय हो। गाय ने जवाब दिया, मैं चाहे इस दलदल से अपने आप को मुक्त ना करा पाऊं, पर मेरा मालिक ऐसा कर सकता है। जब दिन ढल जाएगा और मैं उसे घर पर नहीं मिलूंगी, तो मुझे ढूंढता हुआ अवश्य यहाँ आएगा और कैसे भी मुझे इस दलदल से निकाल ही लेगा और अपने साथ घर लेकर जाएगा। शेर अब पूरी तरह से निरुत्तर था। कुछ देर बाद शाम हुई, गाय का मालिक उसे ढूंढते ढूंढते आया। रस्सी डालकर जैसे तैसे गाय को दलदल से बाहर खींच लिया। मालिक के प्रति कृतज्ञता से अभिभूत गाय प्रसन्न मन से घर की ओर बढ़ चली। इस कहानी में जो गाय है ना, वो शरणागत हृदय, सरेंडर्ड हार्ट का प्रतीक है, और जो शेर है ना, वो अहम से भरा हुआ मन है, और जो मालिक है ना, वो गुरु है। दलदल यह संसार है और ये अस्तित्व को बचाने का संघर्ष, ये दौड़ है। अहंकारी मन कितनी भी समस्याएं पैदा करे, शरणागत हृदय को ये श्रद्धा रहती है कि गुरु हमेशा सही समय पर आकर उसे बचा ही लेंगे और अपने साथ घर लेकर जाएंगे। ये जो अंदरूनी खुशी है ना, आंतरिक प्रसन्नता, यही हमारा घर है। इसलिए जब आप फंस जाओ और पूरी तरह से असहाय महसूस करो, कोई रास्ता ना सूझे, कुछ भी काम ना करे, सारे प्रयास विफल हो जाएं, तब भी जो शरणागत हृदय है ना, वह आशा नहीं छोड़ता, बल्कि पूरी तरह से श्रद्धा के साथ, धैर्य के साथ शाम के ढलने का इंतजार करता है, सही समय का इंतजार करता है। सच में परम भाग्यशाली हैं वो सब जिनके जीवन में गुरु हैं। जय गुरुदेव।